हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे फ्राई राइस। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं फ्राई राइस। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई राइस। इसके लिए हमें तेल डालना है कढ़ाई में, उसके बाद उसमें जीरा, तेजपत्ता, काली मिर्ची एंड लाल मिर्ची को थोड़ा सा सोटे करना है। फिर इसमें हमें अनियन डाली और मैंने लच्छा अनियन यूज़ किया। आप चॉप भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाला है एक चम्मच, और इसको अच्छे से सोटे करना है। उसके बाद मैंने डाली इसमें हरी मिर्ची। मैंने हरी मिर्ची के दो स्लाइसेस किए हैं, आप ब्राउन ब्राउन करके भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा करके, जैसे आपको तीखा पसंद हो। उसके बाद मैंने इसमें टमाटो ऐड किया है। इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिलाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा भुनने लगा भुन रहा है। अब हम इसको ढक कर रखेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आपको अगर राइस में सॉल्ट है तो आप सॉल्ट कम यूज कीजिए, अगर नहीं है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दीजिए जिससे कि फ्लेवर आ जाए। और इसमें गरम मसाला और सॉल्ट और जाना और जाना और फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्राई राइस में। आप रेगुलर यूज़ भी कर सकते हैं आलू पराठा में, राइस फ्राई राइस में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और फिर इसमें मैंने राइस डाल के इसको मिक्स किया अच्छे से। मिक्स करने के बाद मसाला और राइस को मिक्स करने के बाद इसमें लेमन डाला आधा, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अन गैस को लो ही रखना है। हम इसमें इसको हम ढक कर रखेंगे 3 to 4 मिनट। उसके बाद हम देखेंगे हमारा स्टीम हो चुका है, फ्लेवर अच्छे से आ चुका है। आपका फ्राई राइस तैयार है खाने के लिए। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।